नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। कौन मारेगा बाजी सेगमेंट में आज हम बात करेंगे काराकाट विधानसभा क्षेत्र के बारे में। बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा लगभग कर दी है। ऐसे में प्रत्याशी क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के लिए जाने लगे हैं। इस साल विश्व में कोविड-19 के प्रकोप के कारण चुनाव के तौर तरीकों में भारी बदलाव किया गया है। प्रत्याशियों के साथ मतदाताओं के लिए जारी कोरोना के गाइडलाइन के बीच में आज हम काराकाट विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। काराकाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र रोहतास जिले में है। यह काराकाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। काराकाट विधानसभा पर पिछले दो बार से राजद का कब्जा रहा है। ऐसे में यह दिलचस्प हो जाता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में काराकाट की जनता किसे जीत का सहरा पहनाती है। हम काराकाट विधानसभा चुनाव के वर्तमान में चल रही सभी गतिविधियों के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम काराकाट के राजनीतिक इतिहास को देख ले। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं साल 2015 विधानसभा चुनाव की। साल 2015 के चुनाव परिणाम को देखें तो इस क्षेत्र से राजद के टिकट से संजय कुमार सिंह विधायक चुने गए थे। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी उम्मीदवार भाजपा से राजेश्वर राज रहे थे। राजेश्वर राज ने 47,601 वोट हासिल किया था। वहीं संजय कुमार को 59,720 वोट मिले थे और 12,119 अधिक वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। आपको बता दें कि साल 2015 विधानसभा चुनाव में जदयू महागठबंधन के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरे थे। साल 2010 की बात करें तो साल 2010 के चुनावी परिणाम को देखें तो इस साल जदयू में राजेश्वर राज विधायक चुने गए थे। वहीं उनके निकटतम उम्मीदवार राजद से मुन्ना रॉय रहे थे। मुन्ना रॉय को इस चुनाव में 38,336 वोट मिला था और वो 11,415 से चूक गए थे। जदयू से विधायक रहे राजेश्वर राज को 49,751 वोट मिला था। साल 2005 और 2000 के चुनाव परिणाम को देखें तो इस दोनों चुनावी साल में यहां से सीपीआई से अरुण सिंह विधायक चुने गए थे। इससे पहले के चुनावी सालों की तरफ मुड़े तो यहां साल 1990 और 1995 में जनता दल का वर्चस्व रहा था। जनता दल से तुलसी सिंह विधायक चुने गए थे। विकास कार्यों को यदि देखा जाए तो कई प्रकार के कार्य यहां हुए हैं। निर्माण कार्य कराए गए हैं, सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया गया है, स्कूलों में मरम्मत करवाई गई है, बेंच और डेस्क की व्यवस्था की गई है। चुनावी मुद्दों की अगर हम बात करें तो किसानों को लेकर बड़ी समस्या है, फसलों की सिंचाई गंभीर मुद्दा है, युवाओं के लिए रोजगार अहम है, इसके अतिरिक्त महिलाओं के सशक्तिकरण को मजबूत किए जाने की अपनी मांग है। इन सभी मुद्दों पर एक विशेष वर्ग के हितों से जुड़े हैं जो चुनावी निर्णय के लिए काफी महत्वपूर्ण है। काराकाट विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा बार विधायक सीपीआई एमएलसी अरुण सिंह रहे हैं। उसके बाद इस सीट पर राजद का कब्जा रहा है। राजद ने यहां से दो बार जीत दर्ज की है। सीट बंटवारे की बात करें तो काराकाट में एनडीए की तरफ से यह सीट भाजपा के खाते में गई है, तो वहीं महागठबंधन की बात करें तो यह सीट माले के खाते में गई है। एक तरफ बीजेपी ने जहां अपने पुराने उम्मीदवार पर भरोसा करते हुए राजेश्वर रॉय को टिकट दिया है, तो वहीं माले ने भी अपने पुराने और जिताऊ उम्मीदवार अरुण सिंह को टिकट दिया है। आपको वर्तमान में इस सीट पर राजद का कब्जा है, लेकिन यह सीट माले के खाते में चली गई है। ऐसे में यह भाजपा के लिए एक बार तो अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन इस सीट पर पहले से माले के उम्मीदवार जीतते आए हैं। ऐसे में भाजपा के लिए इस सीट पर अपनी जीत पक्की करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।